नमस्कार भाइयों, हमारे जो मॉडल है ट्रेंड मॉडल 300 लीटर, 400 लीटर, 600 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर और 2000 लीटर, ये सब मशीन का जो बनावट है एक सरीका है। इनका फैन पिछली तरफ है, इनका पंप आगे तरफ है, फैन और पंप के बीच पे गियर बॉक्स है, पीटीओ है, आगे मशीन और जो ट्रैक्टर है उसको जोड़ने के लिए भी पीटीओ लगता है। तो जो हमारे सर्विस पॉइंट्स है वो सब सेम ही है, टैंक का वेरिएशन चेंज होता है। वैसे हमारा जो शेल असेंबली है वो भी चेंज होती है, जैसे कि 550 फैन, 616 फैन, उसके बाद में 712 फैन, ऐसे तीन प्रकार के फैन होते हैं। और वैसे भी हम मशीन में जो पंप है वो पंप 55 LPM, 65 LPM, 75 LPM और 100 LPM का यूज़ करते हैं। ये पंप की जो बनावट है वो एक ही सरी की है, और ये पंप का रखरखाव और ये जो पंप का मेंटेनेंस है वो भी सेम ही है। आज हम मित्रा मशीन के जो रूटीन मेंटेनेंस के पॉइंट्स है वो पूरे हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस और जो मंथली मेंटेनेंस है वो हम देखने वाले हैं। थ्री एक्सिस टोबार में हमने चार ग्रीसिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एक, दो, तीन और यहाँ पे चौथा ग्रीसिंग पॉइंट है। अब हम वाइड एंगल पीटीओ के ग्रीसिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और ये जो तीसरा है ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल साइड में लगा हुआ है। हमने मशीन के इस प्लाइन शाफ्ट के साथ बेयरिंग हाउसिंग दी हुई है और बेयरिंग हाउसिंग में हमें एक ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है। इस ग्रीसिंग पॉइंट में हमें 8 से 10 दिनों में ग्रीस करना है, क्योंकि इससे अंदर सूखा ना हो जाए और स्प्लाइन शाफ्ट और पीटीओ शाफ्ट कोई आवाज़ ना करे। वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट में हमें 8 से 10 दिन में उसे हमें ग्रीस करना ज़रूरी है। अगर हम उसे ग्रीस नहीं करते हैं तो वो ड्राई हो जाएगा और क्रॉस और योक टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारी टैंक वाली पीटीओ है इसे हमें महीने में एक बार ग्रीसिंग करनी है, एक पंप वाली छोर और दूसरी गियरबॉक्स वाली छोर। हमने यहाँ पे व्हील अप पे एक ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है। इस ग्रीसिंग पॉइंट से हमें 8 से 15 दिन में मशीन को ग्रीस करना है। हमें डेली बेसिस पे मशीन की ऑयल लेवल चेक करनी है। उसमें हमें पंप और गियरबॉक्स ये दो कंपोनेंट की ऑयल लेवल चेक करनी है। अभी हम पंप देखते हैं, यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम ये दो लेवल देखी है। हमें ऑयल जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखनी है। अगर ऑयल लेवल मिनिमम के नीचे जाती है तो हमें उसे टॉप अप करके मैक्सिमम तक फिल करना है। इस मशीन में जो पंप है, पंप में हमें 15W40 ऑयल यूज़ करना है जो इंजन ऑयल होता है। हमें गियरबॉक्स की ऑयल लेवल गेज में देखनी होती है। इसमें एक लाल रंग की डॉट होती है, वो लेवल तक हमें ऑयल लेवल रखनी है और उसे हमें मेंटेन करना है। गियरबॉक्स में हमें SAE 90 ए ऑयल यूज़ करना है। हमें अपना मशीन 540 RPM पे ही चलानी है, उससे ज़्यादा वाला कोई भी RPM पे हमें मशीन नहीं चलानी है और 540 इकोनॉमिक पे भी हमें मशीन नहीं चलानी है। जब हम हमारे एक बागान से दूसरे बागान में जाते हैं और हमारा PTO जब चालू रहता है तो उस वक्त हमें R मोड या बाईपास मोड में ही मशीन चलानी चाहिए। अब हम देखते हैं C मोड, C यानी कंप्रेशन मोड। ये मोड में हम मशीन का जो वर्किंग प्रेशर है वो सेट कर सकते हैं। और ये जो
मोड है, हमें ज़्यादा देर नहीं चलाना है। हमारे मशीन का जो प्रेशर है वो 40 बार के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। हमारे पास सेफ्टी वॉल दिया हुआ है जो 40 बार में ओपन होता है, अगर वो फॉल्टी हो जाए तो हमें मीटर में देख के हमें अवॉइड करना है कि हमारे मशीन का प्रेशर 40 बार के ऊपर नहीं जाए। अब हम जब भी स्प्रेइंग शुरू करते हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा प्रेशर गेज सही ढंग से चल रहा है और उसके वजह से हमें सही रीडिंग्स मिल रही हैं। ये जो रिंसिंग टैंक है, ये हमारे मशीन में 70 लीटर की रिंसिंग टैंक है। इसमें हमें स्वच्छ पानी भर के ही मशीन के स्वच्छता के लिए उसे यूज़ करना है। इसके अंदर कोई भी प्रकार का केमिकल मिक्स ना करें और केमिकल का वाटर भी उसके अंदर ना रखें। ये बास्केट मिक्सर है, हमें जो भी केमिकल या जो भी पाउडर है उसे हमें घोल के इसी बास्केट मिक्सर से मशीन के अंदर डालना है। ये जो ड्रेन वॉल की लेस है, इसे हमें मशीन के चालू में या वर्किंग में नहीं खींचनी है। अगर हम उसे खींचते हैं तो हमारा जो केमिकल है जो काफ़ी महंगा है वो हमें नुकसान हो जाएगा। ये हमारे मशीन का गियर शिफ्टिंग लीवर है, इसमें हम हाई और लो ऐसे दो गियर में शिफ्टिंग कर सकते हैं। हमें कभी भी पीटीओ के चालू रहते गियर शिफ्टिंग नहीं करनी है। ये मशीन की मेश है, ये मशीन की फिन्स है। यहाँ से कोई भी हार्डन पार्टिकल जैसे कि पत्थर, कोई लोहे की रॉड, कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो अंदर जाता है तो उससे हमारे फैन को बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और हमारे मशीन को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब भी हम सवेरे स्प्रे चालू करते हैं उस वक्त हमें हमारी जो डिस्क है वो चेक करनी है और ATR चेक करनी है। हमें अगर वो ख़राब है तो उसे क्लीन करना है और ATR जो है वो हमें 20 बार के ऊपर नहीं चलाना है। हमें ATR हमेशा 20 बार के नीचे ही चलाना है। हमें पहले रेड नॉब खोलनी है। यहाँ पे हमने देखा है लॉकिंग अनलॉकिंग का पोजीशन, हमें अनलॉक करके रेड नॉब निकालनी है। उसके बाद में फिल्टर रिंग खोल के फिल्टर की जो कैप है वो बाहर निकालनी है। उसके बाद में हमने जाली निकाली है, जाली साफ़ है। अगर जाली साफ़ ना हो तो ब्रश की सहायता से हमें उसे साफ़ करना है और क्लीन वाटर से साफ़ करके उसे फिर से लगाना है। ये देखिए हम ऐसे ही उसे लगा रहे हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि जो फिल्टर की कैप की ओरिंग है वो सही ढंग से लगी हुई है और जो फिल्टर की मेश है उसकी भी ओरिंग सही ढंग से लगी हुई है। अभी हम फिल्टर के लॉकिंग पोजीशन के हिसाब से फिल्टर का नॉब लगाने वाले हैं। अब हम ब्रास लाइन फिल्टर खोल के चेक करेंगे। अब हम ब्रास लाइन फिल्टर खोलते हैं। ब्रास लाइन फिल्टर खोलने के बाद उसके अंदर वाली मेश हमें देखनी है, अगर वो टूटी है तो हमें बदलनी है। अगर वो मेश गंदी है तो हमें स्वच्छ पानी से उसे साफ़ करना है। अब हमने इसे साफ़ किया है, अब हम इसको फिटमेंट करते हैं। इस तरह से हम मेश को अंदर डालना है और फिर हमें ये जो ब्रास लाइन फिल्टर है उसकी बॉडी हमें सही ढंग से टाइट करनी है। फिर हम हमारा दिन का काम पूरा करते हैं तो हमें मशीन से हमारा PTO शाफ्ट निकाल के रखना है ताकि अगर कोई ट्रैक्टर चलाए तो मशीन चालू ना हो। किसान भाइयों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वैसे हमें Instagram और Facebook पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका जो डिटेल है आपको नीचे स्क्रॉल में दिखेगा। आपको अगर सर्विस के बारे में कोई कंप्लेंट है, कोई दिक्कत है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे
टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर है 8888044448। दोस्तों आप QR कोड से या फिर प्ले स्टोर से मित्रा साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन भर के आप उसके ऊपर मशीन डिटेल, ट्रैक्टर डिटेल डाल के आप वो ऐप को एक्सेस करोगे और आपका जो भी कंप्लेंट रहेगा वो ऐप थ्रू हमारे कंपनी में आप भेज सकते हैं, ताकि आपको हमारी सर्विस क्विक मिले और सही ढंग से आपकी कंप्लेंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो।